नमस्कार दोस्तों, बर्ड एनिमल फैक्ट चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत पक्षी की, यानी मोर की। दोस्तों, मोर तीन रंगों में मुख्यतः मिलता है, जिसमें नीले रंग का मोर, हरे रंग का मोर और सफ़ेद रंग का मोर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नीले रंग के मोर के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, नीले रंग का जो मोर होता है उसको इंडियन पी फॉल या कॉमन पी फॉल और ब्लू पी फॉल कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैबोक्रिस्टेटस और यह हमारे देश यानी भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके आकार के बारे में। दोस्तों, इस नीले रंग के मोर की जो लंबाई होती है, यानी जो उसके शरीर की लंबाई होती है, वो 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और उसकी पूंछ की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है। यानी मोर के मुंह से सिरे से लेकर पूंछ तक की टोटल लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक हो सकती है और मोर का वजन 4 से 6 किलो के बीच में हो सकता है। दोस्तों, मोर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और यह नीले रंग में होता है। मोर के सिर के ऊपर एक कलगी होती है, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट भी कहते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडियन पी फॉल यानी हमारा भारतीय मोर और किस किस देशों में पाया जाता है। दोस्तों, हमारा ये भारतीय मोर एक तो हमारे देश खुद भारत में ही और दूसरा श्रीलंका और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो इन तीनों देशों में मिलाकर लगभग इस इंडियन पी फॉल की यानी भारतीय मोर की कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। दोस्तों, मोर एक ओमनिवोरस प्राणी है, यानी ये फल, सब्जी और मांस इत्यादि दोनों खा सकता है, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। दोस्तों, शाकाहार में मोर मुख्यतः फल, सब्जी, मक्के के दाने, गेहूं के दाने, चने और बीज खाता है। वहीं मांसाहार में मोर इंसेक्ट्स यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सांप, चींटियाँ, झिंगूर, केंचुए और मकड़ी तक खा लेता है। दोस्तों, बात करें पानी की, तो मोर वास्तव में बहुत ही कम पानी पीता है और यह अपने पानी की पूर्ति अपने शिकार से ही कर लेता है, क्योंकि जिस जानवर का यह शिकार करता है उसके शरीर में मौजूद पानी से ही इसकी पूर्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मोर के उड़ने की स्पीड की। तो दोस्तों, मोर शरीर में भारी वजन होने के कारण इसकी उड़ने की स्पीड बहुत ही कम होती है। दोस्तों, मोर के उड़ने की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, यानी एक घंटे में यह 16 किलोमीटर तक ही उड़ सकता है। और दोस्तों, मोर लंबी दूरी नहीं तय कर सकता है, केवल यह कम दूरी तक ही उड़ सकता है और मुख्यतः यह जमीन से लगभग 20 से 30 फीट की हाइट तक ही उड़ता है। दोस्तों, मोर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकता, यानी यह सीधे नहीं उड़ता है, बल्कि यह उड़ने से पहले कुछ दूर तक दौड़ लगाता है, फिर अचानक ही एक झटके से जंप लगा कर ये हवा में उड़ जाता है। अब दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं मोर कितने समय तक सोता है। दोस्तों, मोर हमारे इंसानों की तरह ही यह सोता है, यानी ये शाम को 7 से 8 बजे पेड़ की ऊपर वाली डालियों में जाके बैठ जाता है और फिर सो जाता है, और सुबह या सूर्य उदय के साथ ही उड़ जाता है, यानी सुबह 5 से 6 बजे के बीच में यह उड़ जाता है। अगर बात करें मोर में प्रजनन की, तो इनका जो मेटिंग सीजन होता है वो फरवरी से अगस्त महीने तक होता है, जिसमें जो पीहन होती है यानी मोरनी होती है, वो 4 से 8 अंडे एक बार में देती है और यह अपने अंडे पेड़ के घोंसलों में या जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें देती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोर के स्वभाव के बारे में। दोस्तों, मोर आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्राणी है। बहुत सारे लोग अपने घरों में मोर को पालतू बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि मोर देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और यह शुभ भी माना जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय जी हैं, जिनका वाहन मोर है, और कहीं कहीं पर मंदिरों में मोरों की पूजा भी की जाती है। अक्सर मोर जो होते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंख फैलाकर उनको आकर्षित करते हैं, जिसको हम मोर का नाचना भी कहते हैं। बात करें अगर मोर के लाइफ स्पैन की, तो दोस्तों, मोर जंगल में लगभग 10 से 25 साल तक जीवित रह सकता है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। किसी अन्य वीडियो में मैं हरे रंग के मोर और सफ़ेद रंग के मोर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय और मेहनत लगता है, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। दोस्तों अपना ख्याल रखना, खुश रहिए, मज़े करिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।